बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है। वो 92 साल के हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के तमाम नेताओं समेत विपक्ष के भी तमाम नेताओं ने उन्हें बधाई दी। लाल कृष्ण आडवाणी ने सियासत में ये मुकाम यूं ही नहीं हासिल किया, उन्होंने तमाम पड़ाव भी पार किए। आडवाणी का जिक्र होता है तो उनकी बहुचर्चित रथ यात्रा की भी चर्चा जरूर होती है। दरअसल ये किस्सा साल 1990 का है। अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा जोर पकड़ रहा था। इस बीच लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी थी। इस रथ यात्रा के प्रबंधन की जिम्मेदारी मिली थी देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके पीछे दो वजह थी। एक तो नरेंद्र मोदी नेशनल मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत थे और दूसरा उनका प्रबंधन कौशल। यहां तक कि उन्होंने वीपी सिंह से लेकर यूपी सरकार तक को रथ यात्रा रोकने की चुनौती दे डाली थी। बहरहाल रथ यात्रा शुरू हुई, लेकिन असली ट्विस्ट बाकी था। इधर आडवाणी रथ पर सवार थे और उधर बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दिल दिमाग पे कुछ और चल रहा था। उन्होंने बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोकने की ठान ली थी और इसके लिए पूरा प्लान बना लिया था। आडवाणी की रथ यात्रा धनबाद से शुरू होने वाली थी और उन्हें सासाराम के नजदीक गिरफ्तार करने की योजना थी। हालांकि योजना लीक हो गई। बाद में धनबाद में गिरफ्तारी का प्लान बना, लेकिन अधिकारियों के बीच मतभेद के बाद योजना भी खटाई में पड़ गई। इस बीच आडवाणी की यात्रा का एक पड़ाव समस्तीपुर भी था। लालू यादव उन्हें यहाँ हर हाल में गिरफ्तार करना चाहते थे। लाल कृष्ण आडवाणी समस्तीपुर के सर्किट हाउस में रुके थे और लालू यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन्हें कहीं न जाने दिया जाए। हालांकि उस शाम आडवाणी के साथ काफ़ी समर्थक भी थे। ऐसे में उस दौरान गिरफ्तारी के बाद बवाल होने की आशंका भी थी। ऐसे में लालू ने इंतज़ार करना ठीक समझा। इसके बाद देर रात करीब 2 बजे लालू यादव ने पत्रकार बनकर सर्किट हाउस में फ़ोन किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि आडवाणी के साथ कौन कौन है। फ़ोन आडवाणी के एक सहयोगी ने उठाया और बताया कि वो सो रहे हैं और सारे समर्थक जा चुके हैं। आडवाणी को गिरफ्तार करने का ये सबसे मुफीद मौका था और लालू ने इसमें देरी नहीं की। 25 सितंबर को सोमनाथ से शुरू हुई आडवाणी की रथ यात्रा 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंच रही थी, लेकिन 23 अक्टूबर को आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया। आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद केंद्र की सियासत में भूचाल सा बच गया। बीजेपी ने केंद्र सत्तासीन वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिसमें लालू प्रसाद यादव भी साझेदार थे और सरकार गिर गई। बड़ी बात यह रही कि लालू प्रसाद यादव, जो कि फिलहाल अपनी जमानत को लेकर चर्चाओं में है, बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोका था वो वाकई में एक हिम्मत भरा काम था। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।